हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। आज की खास खबर यानी कि बॉलीवुड की बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पूरा माहौल खराब चल रहा है। वायरस लोगों को अपनी चपेट में ना ले सके, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। देश में समय लॉकडाउन जारी किया गया है, जिसकी वजह से सारे इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इस लॉकडाउन का असर बॉक्स ऑफिस पर भी बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 1.5 महीने से सभी सिनेमा हॉल, मॉल सब कुछ बंद है। यहां तक कि फिल्मों की शूटिंग तक रोक दी गई है, जिसकी वजह से आने वाली सभी फिल्मों की रिलीज डेट रद्द कर दी गई है। अब ऐसे में कई मेकर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करने का मन बना रहे हैं। अब हाल ही में ऐसी खबर आ रही है कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब भी सिनेमा हॉल के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स और डायरेक्टर राघव लॉरेंस एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के साथ फिल्म रिलीज के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब 22 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी बचा हुआ है। इसमें एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और VFX भी शामिल है। फिल्म की पूरी यूनिट फिलहाल अपने घर से काम कर रही है, तो इसमें ज्यादा वक्त लग रहा है। दिव्या भारती, नाम सुनते ही वो खूबसूरत चेहरा सामने आता है, जिसे 90 के दशक में अपने हुस्न का तहलका मचा दिया था। 1993 में दिव्या की मौत ने सभी को हैरान कर दिया था। दिव्या ने साजिद नाडियाडवाला से 18 साल में प्रेम विवाह किया था और 19 साल में खुद के घर बालकनी से गिरकर उनका देहांत हो गया। साल 2000 में साजिद ने वर्दा खान नाडियाडवाला से दूसरी शादी की थी। हाल ही में वर्दा ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए कहा कि मैं 27 साल बाद भी दिव्या की जगह कभी नहीं ले सकती। वर्दा खान नाडियाडवाला ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान कहा कि मैंने कभी उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं की है, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है। यादें हमेशा खूबसूरत होती हैं, तो मुझे ट्रोल करना कृपया बंद करें। वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और हम उन्हें इंजॉय कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि दिव्या बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बहुत अच्छी थी यार, हम उससे प्यार करते हैं। वर्दा ने आगे भी कहा कि मुझे पता है ये सब सवाल लोग हमेशा पूछते हैं, कभी वो लोग मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दिव्या हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं, उनका परिवार, पिताजी, उनका भाई कुणाल, सभी हमारे परिवार जैसे हैं। वो हमारे हर सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन जान जाओ मैं ट्रोल नहीं होती हूँ। हम उनके बर्थडे या सालगिरह पर हमेशा उनकी बात करते हैं। मेरे बच्चे जब भी दिव्या की मूवी देखते हैं तो उन्हें बड़ी मम्मी कहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ऋतिक रोशन अपनी एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ अपने बच्चों के साथ घर पर रह रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ऋतिक रोशन अपने दोनों बेटों के साथ बालकनी में खड़े हैं और ये तस्वीर किसी ने ली है तो वो है सुजैन खान। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में छाई है। इस बार खबर ये है कि उर्वशी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और इस बारे में उन्होंने लोगों को सचेत भी किया है। उर्वशी ने खुद इस बात की खबर अपने ट्विटर अकाउंट पर दी और लिखा कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, तो किसी भी मैसेजेस या किसी पोस्ट पर रिप्लाई ना करें। उन्होंने ये भी बताया कि उनका हैकर लोगों से पैसे मांग रहा है। इसी दौरान उन्होंने मुंबई पुलिस से भी मदद मांगी है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि हैकर सेलिब्रिटीज का अकाउंट हैक करते हैं। आए दिन सेलिब्रिटीज के अकाउंट को हैक करने की खबरें सामने आती रहती हैं। बॉलीवुड की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।